हेलो एवरी वन वेलकम टू दिस न्यू वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्स इज अराउंड सेवन फिफ्टी डिवीजन टू काज कर्नी कॉर्निविच एंड एक्सोर हार्ड वर्जन बिफोर मोइंगू लाइक दीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग विडियोज एज ऑलवेज लेट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हार्ड वर्जन दिस इज द हार्डर वर्जन ऑफ द प्रॉब विद बिगर कंस्ट्रेंस कॉर्नी कॉर्न विच टैग अप एन एरे ए ऑफ लेंथ एन क्या बोला गया है कि एक एरे ए है जिसकी लेंथ है एन कॉर्निकॉर्न विच अबाउट दी ऑपरेशन बिटवाइज एग्जॉर सो विश टू एक्सपेरिमेंट विथ इट ठीक है फॉर दिस पर्पज ही डिसाइडेड टू फाइंड ऑल इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट देर एग्जिस्टेंट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस ऑफ द एरे ए आई इन विच द बिटवाइस एक्सर ऑफ दू एक्स ठीक है अब क्या बोला गया है आगे कि ये एक एरे है जिसकी लेंथ है एन और कॉर्नी कॉर्नी विच को ऐसे सारे इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो फाइंड आउट करने हैं जो किस तरह से फॉर्म होते हैं ए की कोई भी एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ले लो और इन सभी एलिमेंट्स का एक्सोर कर दो तो जितनी भी सब सीक्वेंस होगी जो कि इंक्रीजिंग होगी एरे ए की उन सभी एलिमेंट्स का मतलब हर एक सब सीक्वेंस का इंडिविजुअल अगर हम सभी एलिमेंट्स का एक्स और निकालें तो जितनी भी एक्स वैल्यूज आएगी वो उसको फाइंड करनी है अब सब सीक्वेंस का मतलब क्या कोई भी एक एरे दिया गया है तो इसमें से हम कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पिक कर लेते हैं ठीक है थीका? और उनको उसी ऑर्डर में रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ए फाइव ए नाइन ए ट्वेल्व तो ये एक सब सिक्वेंस हो गई अब समझ रहे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ले लेंगे और उनको उसी ऑर्डर में रख देंगे अब इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का मतलब क्या कि ये जो सबसीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए मतलब ए फाइव इस देन ए नाइन इस लस A12, ए ट्वेल्व ठीक है तो ऐसे जितनी भी सब सिक्वेंस होगी उनकी एक्स और वैल्यू हम निकालेंगे मतलब कि मान लो ये अगर एक सब सिक्वेंस है इंक्रीजिंग तो इसकी एक्सोर वैल्यू क्या हो जाएगी ए फाइव एक्सोर, ए नाइन एक्सोर, ए ट्वेल्व तो इसकी कुछ वैल्यू होगी एक्स आई ठीक है तो ऐसी एरे ए की जितनी भी इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस होगी वो निकालेंगे इंडिविजुअली सभी सब सिक्वेंस की हम एक्स और वैल्यू निकालेंगे और जितनी भी एक्स आई वैल्यूज हमें मिलेगी वो हमें चाहिए ठीक है

कि हम ऑल एलिमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं मतलब कि एक एम जो होगी इसको भी हम सब सिक्वेंस कंसिडर करेंगे तो अगर एम टी कॉल आउट कर रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट हम एक्स इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू हर केस में फॉर्म होगी ऐसा हम मान के चलेंगे क्योंकि एम टी सब सिक्वेंस है तो मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट्स नहीं है तो x और वैल्यू x इक्वल टू ज़ीरो भी पॉसिबल है ठीक है फिर आगे सीक इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस की डेफिनेशन दी गई है और कंसेंस दिए गए हैं एन की वैल्यू टेन की पावर सिक्स तक है और ए की वैल्यू जीरो से लेके फाइव थाउजेंड तक है ओके और इनपुट किस तरह से फर्स्ट लाइन में एन है और सेकेंड लाइन में एरे ए है जिसमें एन एलिमेंट्स है ओके और आउटपुट में क्या चाहिए आउटपुट में हमें फर्स्ट लाइन में बताना है टोटल नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज जो कि पॉसिबल है इस तरह से और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है सभी वैल्यूज को ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है अब इसके पे मूव करते हैं सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऐसे ऑसम awesome लेक्चर आप तक पहुंचा रहा है न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मॉक इंटरव्यूज पर्सनल मैटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे सो मेक श्योर टू चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्का विथ न्यूटन स्कूलिंग तो अब यहाँ पे कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें चाहिए कि हमें सभी सबसे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस चाहिए और उनकी जितनी भी अलग अलग एक्सोर वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है वो चाहिए तो सबसे ब्रूट फोर्स मेथड तो ये है कि हम सभी की सभी सब्सिक्वेंस जनरेट करें फिर चेक करें कि वो इंक्रीजिंग है कि नहीं अगर वो इंक्रीजिंग है तो उनकी एक्सोर वैल्यू निकाल के स्टोर कर दे और फिर एंड में देखें कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल है लेकिन सभी के सभी सब्सिक्वेंस को जनरेट करना मतलब वो एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाएगा जो कि टाइम लिमिट हमें एक्सिड दे देगा तो ये तो हम नहीं कर सकते ठीक है ओके अब यहाँ पे अगर हम n इंटू क्योंकि n है टेन की पावर सिक्स a की मैक्सिमम वैल्यू है फाइव थाउजेंड तो n इंटू ए मैक्स जैसा भी अगर कुछ सोचे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी कुछ सोचे फिर भी ये नहीं हो पाएगा टाइम लिमिट में क्योंकि ये है टेन की पावर सिक्स ये है फाइव थाउजेंड ये हो जाएगा फाइव इंटू टेन की पावर नाइन जो कि अगेन टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा तो हमें कुछ और बेटर सोचना पड़ेगा एन स्क्वेयर भी नहीं सोच सकते ठीक है ए ऑफ आई मतलब एम का स्क्वेयर ऐसा कुछ सोच सकते हैं जैसे कि एम है फाइव तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 फाइव इंटू की पावर सिक्स जो कि टाइम लिमिट में हो जाएगा तो ऐसा हम कुछ सोच सकते हैं और सभी एलिमेंट्स को मतलब मान लो हम ट्रावर्स कर रहे हैं और कुछ ऐसा वर्किंग कर रहे हैं कि ये एम एक्स स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है ओवरऑल तो ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूँ मान लो हमारे पास एक एरे है मैंने यहाँ तक जितनी भी इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उन सबको निकाल के रख दिया है एस वन एस टू एस थ्री एस फोर ठीक है इनकी एक्स और वैल्यूज जो है वो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ठीक है अब ये नया एलिमेंट आया ए आई ठीक है मान लो हम ऐसे ट्रावर्स कर रहे हैं एरे और यहां तक जितनी भी इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है उनकी एक्सर वैल्यूज को मैंने स्टोर कर दिया है अब ए को मुझे किसी सब सिक्वेंस में ऐड करना होगा मतलब इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस को कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है ठीक है तो ये जो इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है मान लो चार है तो अगर उसमें मुझे ए ऑफ आई को ऐड करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए और नई वैल्यू क्या जनरेट होगी ठीक है ओके नई वैल्यू जो जनरेट होगी एक्स और डैश वो होगी अगर इस इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस का एक्स और एक्स वन है तो नई जो होगी वो होगी ए वन एक्स और ए ओ फाई ठीक है अगर इतने एलिमेंट्स का इतने एलिमेंट्स का एक्स और एक्स वन है तो एक एलिमेंट ए ओ फाई में ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल एक्स और वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स वन एक्स और ए ओ ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगी एक्स टू एक्स और ए ऑफ आई यहाँ पे एक्स थ्री एक्स और ए ऑफ आई यहाँ पे एक्स फोर एक्स और ए ऑफ आई अब नई एक्स और वैल्यूज जो जनरेट होगी वो पता चल गया लेकिन क्या ये इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है ये हमें चेक करना पड़ेगा अब अगर हम एरे को इस तरह से ट्रावर्स कर रहे हैं और अगर ए ऑफ आई को हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो वो सब सिक्वेंस तो है सब सिक्वेंस का मतलब क्या कि सम एलिमेंट्स ऑफ द एरे जो कि जिनका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर रहे तो अगर हम ऐसे ट्रावर्स कर रहे हैं तो ए ओ फाई अगर इन सब सिक्वेंस का लास्ट एलिमेंट है ठीक है तो, है, तो वो सब सिक्वेंस तो है इंक्रीजिंग है कि नहीं ये हमें चेक करना है तो वो कब होगा अगर एस वन इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है तो इसका लास्ट एलिमेंट मान लो एल वन है अगर वो ए से कम होगा तो ये वैलिड होगा अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए ओ फाई होगा तो वैलिड नहीं होगा अगर ये लेस देन ए फाई ये लास्ट एलिमेंट एस वन का लास्ट एलिमेंट मतलब एस वन का सबसे बड़ा एलिमेंट क्योंकि एस वन इज एन इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तो अगर उसका लास्ट एलिमेंट ए ओ फाई से छोटा है तो अगर मैं एस वन में ए ओ फाई को ऐड करता हूँ तो वो भी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस होगी मतलब कि हम ए ओ फाई को ऐड कर सकते हैं फिर मान लो ये एल टू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए ओ फाई है तो एस टू और एस टू जो सीक्वेंस है सब सिक्वेंस उसमें मैं ए फाई ऐड करूँगा तो ये इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस फॉर्म नहीं होगा क्योंकि उसका लास्ट एलिमेंट ग्रेटर देन ए ओ फाई है ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये नहीं हो सकता उसी हिसाब से मान लो अब एल थ्री इज लेसन लेस देन एफ आई देन दिस इज ऑल्सो वैलिड एल फोर इज लेस देन ए फाई दिस इज ऑल्सो वैलिड तो हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है एक तो लास्ट वैल्यू जितनी भी अभी तक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस फॉर्म हुई है उसका लास्ट एलिमेंट अगर ए ऑफ आई से कम है तो ऑफ आई हम उसमें ऐड कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते सेकेंड चीज नई एक्स और वैल्यू क्या जनरेट होगी एस वन की एक्स और वैल्यू एक्स और ए ऑफ आई ठीक है दो चीजें ध्यान में रखनी है तो अगर हम इस तरह से एरे को ट्रावर्स कर रहे हैं और जितनी भी सबसिक्वेंस फॉर्म हुई है उसमें यही कंडीशन लगाते हैं कि लास्ट एलिमेंट अगर इससे कम है तो एफ आई ए को ऐड करो नहीं एक और वैल्यू को स्टोर करो ठीक है ओके okay. अब अगर हमें इसको एम एक्स स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कुछ करना है तो हम क्या सोच सकते हैं यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट देखते हैं मान लो एक इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है जिसका लास्ट एलिमेंट है ए इसकी एक्स और वैल्यू है मान लो 73 अब नया एलिमेंट आया ए ओ फाई इक्वल्स टू नाइन्टी ठीक है ओके तो ये जो इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस होगी वो नई कैसी फॉर्म होगी यहाँ तक थी 80 नया एलिमेंट आया 90 मतलब अब इस इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का लास्ट एलिमेंट हो गया 90 इसकी एक्स और वैल्यू क्या हो जाएगी सेवेंटी थ्री एक्स और नाइन्टी ठीक है ये दो चीज क्लियर है ओके अब कहीं आगे जाके और एक सब सिक्वेंस फॉर्म होती है ठीक है जिसकी लास्ट एलिमेंट जो है वो है सेवेंटी और इसकी भी एक्स और वैल्यू है सेवेंटी थ्री और कोई नया एलिमेंट नाइन्टी हमें मिलता है वापस एरे में आगे जाके ठीक है ओके तो ये सब सीक्वेंस होगी ये जो होगी लास्ट एलिमेंट है सेवेंटी नया एलिमेंट आया नाइन्टी एक्स डैश इक्वल टू सेवेंटी थ्री एक्स और नाइन्टी तो अब इनमें और इनमें कुछ डिफरेंस रहा कुछ नहीं रहा क्यों क्योंकि इसकी एक्स और वैल्यू आएगी सेवेंटी थ्री एक्स और नाइन्टी इसकी भी एक्स और वैल्यू आएगी सेवेंटी थ्री एक्स और नाइन्टी इसका लास्ट एलिमेंट है नाइन्टी इसका भी लास्ट एलिमेंट है नाइन्टी ठीक है तो इन दोनों में अभी कुछ डिफरेंस नहीं रहा भले ही यहाँ पे 80 और 70 हो लेकिन डिफरेंस क्या आएगा ये जो इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है ठीक है इस इसमें हम लास्ट एलिमेंट ऐसे सारे ऐड कर सकते हैं कौन कौन से जो कि ग्रेटर देन 80 हो मतलब कि ये इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है लास्ट एलिमेंट है एटी ये है सेवेंटी तो ये जिस इंडेक्स पे इसका लास्ट एलिमेंट होगा इसके बाद एरे में जितने भी एलिमेंट है जितनी भी ए ऑफ आई है जो कि ग्रेटर देन एटी है उन सभी एलिमेंट्स को हम इस सब सिक्वेंस के साथ एक्सोर करके नई एक्सोर वैल्यूज नई सब सिक्वेंस जनरेट कर सकते हैं लेकिन ये जो है इसमें हम लास्ट एलिमेंट है 73, थ्री वैल्यू है 73. तो हम सारी ऐसी एफ आई एड कर सकते हैं जो कि ग्रेटर देन सेवेंटी है ठीक है तो इनमें और इनमें डिफरेंस क्या रहा ये ऐसी सारी ए ओफ आई जो ग्रेटर देन सेवेंटी है उस वो उन एलिमेंट्स को मैं इस इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस में ऐड कर सकता हूं यहां पे ग्रेटर देन एटी को कर सकता हूँ तो ग्रेटर देन एटी वाला पार्ट तो यहां पे भी आ गया ठीक है अगर मैं नाइन्टी को यहां पे ऐड करता हूँ और 90 को यहाँ पे ऐड करता हूँ तो कोई डिफरेंस रहेगा नहीं रहेगा जैसे यहाँ पे नहीं रहा तो ये रिपीटेशन हमें नहीं करना ठीक है ओके तो ये तो पता चल गया तो फिर इसका एडवांटेज क्या हम 71 से लेके 80 तक जितनी भी ए ऑफ आई की वैल्यूज होगी उनको हम इस इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस में एंड में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट 70 है जबकि इसका लास्ट एलिमेंट 80 है ठीक है तो अगर ऐसी एक increasing subsequence आ आ गई गई और उसके बाद increasing subsequence आ गई तो हम हम 81 81 से बड़े elements जो होंगे नहीं करेंगे इससे बचेंगे ठीक है तो किसी एक पर्टिकुलर एक्स और वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 80 वाले ऑप्शंस यहां पे ओपन हो गए तो यहां पे हम वापस सॉरी यहां पे ये आ गया ग्रेटर देन एटी वन तो यहां पे ग्रेटर देन एटी वन को हम रिपीट नहीं करेंगे हम सिर्फ 71 वन टू एटी ही करेंगे ठीक है मतलब ए i जो 71 वन से एटी होगा उनको ही इस इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस में ऐड करेंगे यहां पे बाकी के ऑप्शन तो वैसे भी आ गए होंगे ठीक है ओके तो ये रिपीटेशन अगर हम नहीं करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या है ओ फाइव की मेरी वैल्यू है जीरो से लेके फाइव थाउजेंड ठीक है तो जीरो वन टू थ्री अप टू फाइव थाउजेंड तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए मैं अगर एक लिस्ट स्टोर करूं ये मान लो नंबर है जेड और ये है लिस्ट इस लिस्ट में मैं क्या स्टोर करूंगा हम एरे को जीरो से लेके एन माइनस वन तक ट्रावर्स करेंगे तो मान लो हम आई थी इंडेक्स पे है तो उस टाइम पे इसमें क्या स्टोर होगा इसमें अभी तक जितनी भी इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस आई होगी जिसकी एक्स और वैल्यू कुछ होगी और लास्ट एलिमेंट जो है वो लेस देन जेड होगा वो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे इसका बेनिफिट क्या है मान लो ऑफ आई इक्वल टू जेड आया तो अब हम क्या कर सकते हैं हमारे पास ऐसी सारी सब सिक्वेंस यहाँ पे स्टोर है जिनका लास्ट एलिमेंट लेस देन जेड है और एक्स और वैल्यू एक्स है तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स और वैल्यू स्टोर करनी है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है मान लो एक्स एम क्योंकि लास्ट एलिमेंट अगर लेस देन जेड होगा तभी हमने इसमें स्टोर किया होगा ठीक है तो अगर ए ओफ आई इक्वल टू जेड आएगा तो हम कौन कौन सी नई वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं एक्स वन एक्स और जेड एक्स टू एक्स और जेड अपू एक्स एम एक्स और जेड ठीक है और इन सब का लास्ट एलिमेंट क्या होगा ठीक है तो ये हमें इस तरह से हेल्प करेगा दूसरी बात अगर ये जो है x1 वन एक्स और जेड ये नई वैल्यू जनरेट होगी इसका लास्ट एलिमेंट है z तो ये जो नई वैल्यू होगी उसको हमें किस में स्टोर करना पड़ेगा ऐसी सारी इंडेक्सेस में हमें स्टोर करना पड़ेगा जिसके लिए ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है जिसका एक्स और वैल्यू है एक्स वन एक्स और जेड और लास्ट एलिमेंट लेस देन रिस्पेक्टिव जेड है इसका मतलब ये जो नया एक्स और वैल्यू है मान लो इसको मैं एक्स वन डैश कहता हूँ तो ये हमें जेड वन ड प्लस वन से लेके a मैक्स मतलब कि 5000 इन सभी में इस वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा ठीक है x और वैल्यू को ठीक है अब जब a ऑफ i इक्वल टू मान लो जेड प्लस थ्री आएगा तो अब हमें पता है कि ऐसी एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है जिसकी एक्सोर वैल्यू एक्स वन एक्स जेड है तो उसमें हम लास्ट एलिमेंट z प्लस थ्री एड कर सकते हैं और नई एक्स और वैल्यू जनरेट कर सकते हैं एक और चीज़ जैसा कि हमने बोला था कि जैसा हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर सेकेंड टाइम मुझे एक्स और इक्वल टू सेवेंटी थ्री मिलता है और लास्ट एलिमेंट सेवेंटी है यहाँ पे लास्ट एलिमेंट एटी था ठीक है एक एक्स इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है लास्ट एलिमेंट है एटी एक्स और वैल्यू है सेवेंटी थ्री ये जो है इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस लास्ट एलिमेंट है सेवेंटी इसकी एक्स और वैल्यू है सेवेंटी थ्री हमें इन लिस्ट में रिपीटेशन नहीं चाहिए तभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो अगर लास्ट एलिमेंट जब 80 था तो जब लास्ट एलिमेंट 80 था तो 81, 82 से लेके 5000 तक सभी लिस्ट में मैंने एक्स और इक्वल टू सेवेंटी स्टोर किया होगा ठीक है तो अब जब लास्ट एलिमेंट 70 है तो मैं 71 से लेके 80 तक में ही 73 को ऐड करूँगा इनमें वापस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो लिस्ट को ट्रावर्स करना करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी एक्सोर वैल्यू अगर हम जनरेट करते हैं तो उसका लास्ट एलिमेंट क्या था इसका मैं ट्रैक रखना पड़ेगा मतलब कि लास्ट ऑफ 73 ये क्या डिनोट करता है कि एक्सोर इक्वल टू सेवेंटी जैसी कोई इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस मिली थी तो उसका लास्ट वैल्यू क्या था 80 तो अब अगर हमें इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस मिलती है जिसकी एक्सोर वैल्यू है 73 और उसका लास्ट एलिमेंट है 70 तो हम 80 से कम होते होते 71 तक ही 73 को स्टोर करेंगे जिससे कि हम इतने सारे रिपीटेशन से बच जाएं। ये क्लियर है ओके तो अगर हम देखें मैक्सिमम कितने पॉइंट्स स्टोर होंगे जिससे कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पता चले अगर जीरो वन टू से लेके फाइव थाउजेंड तक लिस्ट है तो अब 5000 में कितनी वैल्यूज स्टोर होगी ऐसी सारी वैल्यू स्टोर होगी एक्स और इक्वल टू एक्स जिसका लास्ट एलिमेंट लेस देन 5000 है तो ऐसी कितनी एक्स और वैल्यूज जनरेट हो सकती है पहले तो लास्ट एलिमेंट लेस देन 5000 ऐसी 499 वैल्यूज हैं या तो 5000 ही आप कह लो क्योंकि जीरो से स्टार्ट करके ठीक है ओके और एक्स और इक्वल टू एक्स की कितनी एलिमेंट्स हैं कितने यहाँ पे पॉसिबिलिटी है अब आप देखो अगर मेरा मैक्सिमम वैल्यू टेन है तो इसको मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा वन ज़ीरो वन ज़ीरो तो मैक्सिमम एक्स और वैल्यू कितनी हो सकती है वन 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 15, जो है फिफ्टीन है टू की पावर फोर माइनस वन मतलब कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बाद जो टू की पावर वाला नंबर आता है माइनस वन क्योंकि सारी की सारी बिट्स को अगर हम करें तो तो अगर AO5, 5000 है तो मैक्सिमम नंबर हम कर पाएंगे वो होगा टू की पावर थर्टीन माइनस वन विच इज आई थिंक एट वन नाइन वन ठीक है तो जीरो से लेके एट वन नाइन वन मतलब इसकी डिफरेंट एट वन नाइन टू वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ पे 5000 डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो सकती है और हम रिपीटिशन तो कर नहीं रहे वो मैंने हमने देख लिया अभी कि कैसे रिपीटेशन से बचेंगे लास्ट एलिमेंट को स्टोर करके ठीक है अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे नंबर ऑफ़ वैल्यूज कम होती जाएगी मतलब कि अगर टू है तो इसमें अगर मैं एक्स और वैल्यू देखूँ जिसका लास्ट एलिमेंट लेस देन टू है तो यहाँ पे मैक्सिमम थ्री एलिमेंट्स ही आएंगे ठीक है मतलब कि थ्री भी नहीं आएंगे जीरो आएगा और वन आएगा ठीक है अब लास्ट एलिमेंट अगर लेस देन टू रखना है तो वो या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है ठीक है तो ऐसे एलिमेंट्स कम होते जाएंगे और हम रिपीट तो कर नहीं रहे हैं। फिर भी अगर मान ले कि फाइव थाउजेंड रोज है और सभी में एट वन नाइन टू वैल्यूज है क्योंकि इसमें मैक्सिमम एट वन नाइन टू वैल्यूज होगी तो ये भी टाइम लिमिट में हो जाएगा ठीक है ट्रावर्स करना हालांकि जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे बहुत कम वैल्यूज़ होगी लेकिन अगर ऐसा माने कि सभी की सभी 5000 रोज में इतनी वैल्यू स्टोर होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इजीली कैलकुलेट करने के लिए तो ये भी टाइम लिमिट में हो जाएगी तो बस हमें ये देखना है कि हम एरे को ट्रावर्स करें नई एक्सर वैल्यूज जो आ रही है उनको हम स्टोर करें कहीं पर और उन एक्सोर वैल्यू का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमें ट्रैक रखना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे रिपीटेशन ना हो तो अब इम्प्लीमेंटेशन का मैं सूडो कोड यहाँ पे दिखा देता हूं जिससे कि कंप्लीटली समझ में आ जाएगा एक तो हमें एरे चाहिए लास्ट ऑफ टू की पावर थर्टीन का ठीक है जिसमें इनिशियली मान लो हम माइनस वन रखते हैं अगर कोई ऐसी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस अभी तक नहीं मिली जिसकी एक्सोर वैल्यू आई पॉसिबल हो तो लास्ट ऑफ आई क्या होगा माइनस वन होगा एक हमें चाहिए होगा आंसर ऑफ टू की पावर थर्टीन ये इनिशियली जीरो अगर आंसर ऑफ आई वन है इसका मतलब ऐसी इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है जिसकी एक्सर वैल्यू आई है अब हम क्या कर सकते हैं हम एरे को ट्रावर्स करेंगे ठीक है और हमें क्या चाहिए होगा हमें एक लिस्ट चाहिए होगी ऑफ फाइव थाउजेंड वन क्योंकि लिस्ट जो है वो तो फाइव थाउजेंड एलिमेंट्स के लिए ही चाहिए ठीक है तो इस साइज़ की हमें लिस्ट चाहिए होगी तो हम एरे को ट्रावर्स करेंगे तो अब हाँ, ये जो ए ऑफ आई है ठीक है ये कोई नंबर होगा तो हम क्या करेंगे एल इक्वल टू लिस्ट ऑफ एफ आई डॉट साइस मतलब कि ए ओफ आई में जितनी भी एलिमेंट्स है वो हमें बता दो एफ आई में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो अभी तक इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस फॉर्म हुई होगी उनकी जो भी और वैल्यूज होगी जिनका लास्ट एलिमेंट लेस देन ऑफ़ आई होगा वो उसमें स्टोर्ड होगा मतलब कि उसमें हम ए ओफ आई को एड कर सकते हैं ठीक है ओके okay, और एम टी सब सिक्वेंस भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो इनिशियली ये जो लिस्ट है फाइव थाउजेंड वन की इन सभी की सभी में मतलब थाउजेंड तक सभी में हम जीरो को एड कर रहे हैं ठीक है क्योंकि ए ओफ आई ए इंडिविजुअल भी एक इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस फॉर्म होगा ठीक है ओके तो ये मैंने ले लिया अब नई कौन कौन सी वैल्यू जनरेट हो सकती है फॉर J equal to zero, J is less than L, J plus plus. नई वैल्यू क्या जनरेट होगी K equal to A of I XOR list of A of I और उसका Jth element ठीक है तो ये नई XOR values form होगी ठीक है तो इसका आंसर आंसर ऑफ k इसको हम वन कर देते हैं जो कि इनिशियली जीरो था ठीक है अब लास्ट एलिमेंट इसका क्या है अभी ए ऑफ आई है ठीक है तो और एक्स और वैल्यू क्या है के है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं या तो फिर ये जो है हम यहां पे क्या कर सकते हैं लास्ट ऑफ जो भी है उसको हम इनिशियली फाइव थाउजेंड वन ले सकते हैं ठीक है क्योंकि लास्ट एटमोस्ट कितना होगा फाइव थाउजेंड जिससे कि यहाँ पे इजीली हम कर सके अगर हम फाइव थाउजेंड लेंगे अब लास्ट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं लास्ट ऑफ आई का मतलब कि एक इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है जिसकी एक्सोर वैल्यू है आई उसका लास्ट एलिमेंट जो कि सबसे छोटा है वो क्या है तो हम क्या कर सकते हैं वाइल जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि पहले लास्ट एलिमेंट 80 था एक्सोर इक्वल टू सेवेंटी में फिर 70 हुआ तो 71 से लेके 80 तक के एलिमेंट्स में ही हम 73 को ऐड करेंगे ताकि रिपीटीशन ना हो सो वाइल लास्ट ऑफ के क्योंकि नई एक्सोर वैल्यू के जनरेट हुई है इस ग्रेटर देन ए ऑफ आई ठीक है क्योंकि अब ये जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फॉर्म हुई है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है ए ऑफ आई इसके एक्सोर वैल्यू है क्या है के तो अब इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस में हम कौन से नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं ए ऑफ आई प्लस वन से लेके एम मैक्स तक सो वाइल लास्ट ऑफ के इज ग्रेटर ऑफ़ लास्ट ऑफ के माइनस माइनस इफ लास्ट ऑफ के इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई लिस्ट में हम ऐड कर देंगे मतलब हम सी प्लस प्लस मैंने कोड लिखा है तो पुशबैक लेते हैं वेक्टर यूज किया है लिस्ट में हम पुश कर देंगे किसको इस एक्स और वैल्यू को जो कि है के और लास्ट ऑफ के माइनस माइनस हो जाएगा अब ये एक्चुअल में कर क्या रहा है मान लो ये है फाइव थाउजेंड तो इसमें मान लो एक्स और इक्वल टू के पहले से था अपू थ्री थाउजेंड तक था ठीक है अब यहाँ पे एक्स और इक्वल टू के आया उसमें जो लास्ट एलिमेंट है ए ऑफ आई वो है टू थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल ठीक है यहाँ पे हम डिटेल में नहीं चेक कर रहे कि पॉसिबल है कि नहीं ये सब तो अब लास्ट ऑफ के क्या होगा अभी थ्री थाउजेंड क्योंकि अभी तक हम यहाँ इतने एलिमेंट्स में के आ चुका था और हमें रिपीट नहीं करना तो लास्ट ऑफ के माइनस माइनस हम करते जाएंगे और जब तक वो ए ऑफ आई के बराबर नहीं है मतलब कि ए of i आई से बड़ा है तो हम लिस्ट में ऐड करते जाएंगे मतलब कि यहाँ पे मान लो टू थाउजेंड है तो इन सब में के ऐड हो जाएगा मतलब कि रिपीटेशन नहीं होगा ठीक है ओके तो इससे हम बच जाएंगे और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एम एक्स स्क्वायर के आसपास हो जाएगा और हम कर पाएंगे और एक चीज़ जब हम यहाँ से बाहर आएंगे इस फोर लूप से तो लिस्ट ऑफ ए ओफ आई जो है लिस्ट ऑफ ए ऑफ आई इसको हम नल कर देंगे अब ऐसा क्यों क्योंकि मान लो ए ऑफ आई है कुछ फोर थाउजेंड तो इसके कुछ एलिमेंट के साथ हमने एक्स और वगैरह किया इस लिस्ट के साथ अब ये एलिमेंट्स वापस तो इसमें आने वाले हैं नहीं क्योंकि हम लास्ट जो है उसका ट्रैक रख रहे हैं ठीक है दूसरी बात अगर यहां पे नए एलिमेंट्स आते हैं तो लिस्ट को ट्रावर्स करने में अगर हम वापस इनको ट्रावर्स करेंगे तो तो वो रिपीटेशन हो जाएगा इसलिए हम यहां पे लिस्ट को एम कर देंगे ठीक है तो जब हम इससे बाहर आएंगे तो हमारे पास फिर हमें क्या करना है मान लो एक वेरिएबल में लेता हूं टोटल इसको जीरो कर देंगे फिर ए ऑफ आंसर ऑफ आई है वो जीरो से लेके टू की पावर थर्टीन माइनस वन जितने भी वन है आंसर ऑफ आई अगर वन है तो टोटल प्लस प्लस कर देंगे आंसर ऑफ आई वन क्या फॉर्म कहता है हमें कि ऐसी सब सिक्वेंस आई थी जिसकी एक्सर वैल्यू आई के बराबर थी तो हमें प्रिंट क्या करना है पहले टोटल नंबर ऑफ़ एक्स वैल्यूज जो कि पॉसिबल है और बाद में हम एक फोर लूप लगाएंगे फॉर क्योंकि हमें पहले टोटल वैल्यूज प्रिंट करनी है फिर जो भी वैल्यूज है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो अगर आंसर ऑफ आई अगर वन है तो हम i को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे ठीक है तो पहले टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और फिर जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा देंगे ठीक है सो ये है इम्प्लीमेंटेशन आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और इम्प्लीमेंटेशन भी इसका जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी एन प्लस अप्रोक्सीमेटली ए मैक्स स्क्वा एन क्यू क्योंकि हम ट्रावर्स कर रहे हैं और ये जो है वो रिपीटेशन हम नहीं होने दे रहे लास्ट एलिमेंट को स्टोर करके और लिस्ट को क्लियर करके हर बार तो वो ए मैक्स स्क्वायर मोस्ट होगा जो कि टाइम लिमिट में हो जाएगा ए ओ फाइव फाइव थाउजेंड है ठीक है सो आई होप आपको क्लियर है इसका जो सोल्यूशन कोड है मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू